हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट कैसे करें। देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारे लोगों का ईमेल एड्रेस गलत हो गया, मोबाइल नंबर गलत हो गया, HSN गलत हो गया या फिर एड्रेस गलत हो गया, तो वो सब चीज़ें हम कैसे अमेंड करेंगे। ठीक है, अब हम इसे ऑनलाइन अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले तो आप अपना जो है साइट पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के साथ साथ आपका ये डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए मैंने एक लॉगिन किया हुआ है संजीव कुमार के नाम से, ये डैशबोर्ड खुलेगा आपका। ऐसा डैशबोर्ड खुलने के साथ साथ आप यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में। सर्विसेज टैब में आप देखेंगे आप में पांच चीज़ें नज़र आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन, लेजर्स, रिटर्न्स, पेमेंट्स एंड यूजर सर्विसेज। तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर आएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर आने के साथ साथ देखिए मैं चार चीज़ें नज़र आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन, एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लिवाई, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नन कोर फील्ड्स एंड ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो हमें यहाँ पे आना है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नन कोर फील्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप जो है पैन रिलेटेड जो है अमेंडमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है आप नॉर्मल अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा तो ऐसे ही डिटेल्स आपने फिल की होगी। तो ठीक है, तो नॉर्मल केसेस में क्या क्या इशू आ रहे हैं लोगों के साथ कि उनका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी यही सब गलत है, तो ठीक है, या फिर HSN, ये सारी चीज़ें कुछ मिस्टेक हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो अपना बिजनेस डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स में हमें यहाँ पे देखिए एडिट करने के लिए कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के साथ प्रोमोटर एंड पार्टनर्स में। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रही है, प्रोमोटर्स और पार्टनर्स मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए आ रहा है डिटेल्स ऑफ पर्सन इन चार्ज। ठीक है, तो यहीं से हम अपना जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे एडिट पे, एडिट पे आएंगे आप, एडिट पे क्लिक करने के साथ साथ देखिए हमारे पास ये विंडो खुल गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये देखिए सारा एडिटेबल है, आप इजीली एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइए यहाँ देखिए आप, अब नीचे आते हैं। नीचे आने के साथ साथ देखिए अगर जिनका एड्रेस गलत हुआ है वो अपना एड्रेस यहाँ चेंज कर सकते हैं और आगे जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे आता हूँ। अब इसके साथ साथ देखिए हम क्या एडिट कर सकते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स हम यहाँ पे हम ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है वो चीज़ें आप अभी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी यहाँ ऑथोराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स चेंज कर सकते थे। ठीक है, आते हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे उससे जो भी उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा। आगे आते हैं, देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कुछ होगा वो कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में अपना जो है HSN कोड जो है वो भी हम यहाँ पे अभी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, आप इजीली यहाँ से डिलीट करके और यहाँ से नया कोड जो है आप यहाँ से सर्च करके डाल सकते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आप चेंज कर सकते हैं, आप पुराने वाले डिलीट करके और नया डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट, एडिट दोनों ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है आपका। और लास्ट में फिर वेरिफिकेशन, जैसे आपने लास्ट टाइम वेरीफाई किया था आपने DSC से किया था तो DSC से, और अगर EVC से किया था तो EVC से, जैसे भी आप चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है, आपने जो भी अमेंडमेंट करना है ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।